बिहार में एक ऐसा गांव है जहां पर किसी के घर में अगर बेटियां पैदा होती है तो वह घर के बाहर या खुली जगह में एक चंदन का पेड़ लगा देते हैं। बेटी होने के साथ ही चंदन का पेड़ लगाना इस गांव की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। गांव के लोग इस परंपरा को पालन करते हैं और लगाए हुए चंदन के पेड़ की रक्षा भी करते हैं। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसके नाम का लगाया हुआ चंदन का पेड़ ये लोग बेच देते हैं और बहुत ही धूमधाम से उसकी शादी करते हैं। डॉट जानकारी के मुताबिक यह परंपरा बिहार के वैशाली जिले के बिदुरपुर की है, जहां एक गांव है पकौली। इस गांव में कई लोगों के घर के बाहर आपको चंदन के पेड़ लगे हुए मिल जाएंगे। जब इस बारे में गांव की एक महिला मीरा देवी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि इस गांव में करीब 700 घर हैं, जहां हर दरवाजे पर एक से लेकर चार चंदन के पेड़ लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि अगर बेटी की शादी के लिए पैसे न रहे तो उसके जन्म के साथ जो पेड़ लगाया गया है उसे बेचकर ही उसकी शादी का खर्चा उठाया जाता है। डॉट मीरा देवी ने कहा कि घर में अगर बेटी का जन्म हो तो यह बहुत शुभ माना जाता है और हमारे पूर्वजों का कहना है कि चंदन का पेड़ लगाना भी बहुत शुभ होता है। यही वजह है कि हम बेटी के जन्म के साथ चंदन का पेड़ लगाते हैं। जब किसी के घर में बच्ची का जन्म होता है तो वह 5 से 6 महीने बाद चंदन के पौधे को रोपते हैं और उसकी हिफाजत भी करते हैं ताकि कोई उसे चुरा न ले या फिर उसे नुकसान न पहुंचा।